शुरू करूं? चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्या क्या इसमें क्या क्या दिया है वो चीज अपन ने कैसे पढ़ी है वो। मैंने सीक्वेंस अलग पढ़ा है क्योंकि तुम्हारी बुक में सीक्वेंस बहुत ऊपर नीचे दिया हुआ है, इसलिए मैंने अपने सीक्वेंस में पढ़ा है। सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, क्या बोलो फटाफट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। प्राइस कम होती है, क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को अगर सरल भाषा में और दूसरी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं? सेटरेस पेरेबस। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज व्हाट बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है क्या? प्राइस क्या है बेटा? 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, 40, 30, 20, 10। प्राइस क्या हो रही है? कम। प्राइस क्या हो रही है? कम। और डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, इसका ये जो टेबल बना हुआ है, ये जो टेबल बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड स्केड्यूल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल। और अगर इसका मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दूं, इसका मैं अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बना दूं बेटा? कर्व बना दूं, तो क्या कहलाएगा वो? डिमांड कर्व। क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बोलो। क्लियर है? ऑल क्लियर। अच्छा, तुम्हारे में वो नहीं दिया क्या? तुम्हारी बुक में क्या नहीं दिया है? ये डिमांड स्केड्यूल के लिए अलग से थ्योरी नहीं लिखी है, डिमांड कर्व के लिए अलग से थ्योरी नहीं लिखी है, जबकि मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है क्या? फिर हमने क्या पढ़ा? अच्छा, हमने वो भी पढ़ा था जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। याद है क्या हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होती है? एक कमोडिटी की सारे कंज्यूमर्स की डिमांड। यदि भी नहीं दिया था तुम्हारे उसमें, क्लियर है क्या? उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? Assumptions of law of demand, यानी वो बातें जिनके का assumption क्या था? Other things remaining constant. अच्छा, other things में क्या था? Factors affecting की बाकी चीजें, बोलो हाँ या नहीं? अब ये बुक देखो कितनी गड़बड़ है, इसमें इन्हें ये तो बता दिया other things remaining constant में क्या क्या है, लेकिन उसके पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो पढ़ा ही नहीं। अरे जब तक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आप पढ़ाओगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि अदर थिंग्स में क्या क्या आता है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था क्या? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्या क्या आता था उसमें? प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये तो मेन था। उसके क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें क्या था? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। फिर इनकम एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर मार्केट डिमांड में क्या था? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। याद है क्या? फिर क्या था? सीजन एंड वेदर। और क्या था? सीजन एंड, चलो अदर फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? तो अदर फैक्टर्स के अंदर ये सारी चीजें आ रही, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट में। कोई दिक्कत है क्या? बोलो फटाफट बोलो। फिर हमने पढ़े थे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। याद है कि हमने गिफिन गुड्स पढ़ लिया था। क्लियर है क्या? वो इंफीरियर गुड्स, सर्टेन इंफीरियर गुड्स कॉल्ड गिफिन गुड्स। सारे इंफीरियर गुड्स नहीं, सर्टेन इंफीरियर गुड्स, जो किसके नाम पे बने हैं? सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे बने हैं। क्लियर है क्या? बोलो। यहाँ प्राइस बढ़ती है, जब जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम बिकती है। और जब प्राइस बढ़ती है तो और बढ़ती है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है। क्लियर है? बताओ ना यार, ब्रेड, राइस, व्हीट, ये सारी चीजें हो जाएंगी तुम्हारी क्या? गिफ्ट इन गुड्स। क्लियर है क्या? बोलो। अच्छा, ये अलग पॉइंट्स है, ये तुम्हारी बुक में जो मैंने पढ़ा है वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है क्या? लेकिन कहीं ना कहीं कवर्ड थे। हमने पढ़े थे, याद है, प्रेस्टिजियस गुड्स, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्रेस्टिजियस गुड पढ़े थे, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, गोल्ड, डायमंड वाला, क्या याद है कि मैंने बताया था? गोल्ड पढ़ा था ना बेटा, कि गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड महंगा की डायमंड, डायमंड महंगा की प्लैटिनम। याद है क्या? जितना महंगा उतनी डिमांड क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि वो क्या होते हैं? स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं। याद है? ठीक है क्या? स्टेटस सिंबल गुड्स, उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नोमोपिन। सर्टेन कमोडिटीज आर डिमांडेड जस्ट बिकॉज दे हैपन टू हैव एक्सपेंसिव और प्रेस्टीज गुड्स एंड हैव स्नोमोपिन। दे सैटिस्फाई द aristocratic desire to preserve exclusiveness of unique goods. जब आप unique बनने की कोशिश करते हो, आपको uniqueness चाहिए, तो आप exceptional goods खरीदते हो, वहाँ पे law of demand क्या हो जाता है? Fail हो जाता है। Clear है? All clear? Snob एक अंकल का नाम था, जैसे Griffin goods है ना, है ना, Snob भी एक अंकल का नाम था जिन्होंने Snob appeal दी थी, जहां तक तो। एक बार चेक करके फिर बताऊंगा, मेरे को इतना याद है कि नाम था अंकल का। ठीक है क्या? चलो, speculation क्या है? When people speculate about changes in the price of the commodity in future. अच्छा, future expectation पढ़ा था हमने, पढ़ा था क्या future expectation की? नहीं पढ़ा था? हाँ, नहीं नहीं, fear of shortage नहीं, ये नहीं पढ़ा था हमने। future expectation, आज दाम बढ़ गए, समझ लो आज पेट्रोल के दाम क्या हो गए? बढ़ गए, तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन आज दाम बढ़ गए और ये पता है कि कल और बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? भले आज दाम बढ़ गए, डिमांड आप और भी बढ़ाओगे। क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि कल को डिमांड और महंगाई और बढ़ने वाली है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्पेक्यूलेशन। क्लियर है क्या? यहां तक मैंने आपको, ये यहां से लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी आपको।
आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको नहीं पढ़ाया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नहीं पढ़ाया है, इनकम इलास्टिसिटी भी नहीं पढ़ाया है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा दिया, ये देख लो ये पढ़ा दिया तुमको। पेज नंबर बताऊं 455 में पढ़ा दिया क्या, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, इसको क्या हम बोलते हैं बेटा चेंज इन डिमांड, याद है हम इसको क्या बोलते हैं चेंज इन डिमांड, ये किसके कारण होता है बेटा अदर फैक्टर्स के कारण। कोई दिक्कत है क्या, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है बेटा राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्या होता है क्या होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन प्राइस के कारण डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन, और प्राइस के कारण डिमांड बढ़ती है तो क्या कहलाता है एक्सपेंशन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कल लास्ट क्लास में, इतना याद है कि नहीं याद है फटाफट बोल दो बोलो। अब मेरे को इतना ही पढ़ाया मैंने अभी आपको आपकी बुक से, ठीक है क्या। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ नया टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहली क्लास है आपकी आज, ठीक है। तो अभी तक का तो सब हवाई जहाज जा रहा होगा क्योंकि पिछले दो दिन में जो पढ़ चुके हैं उसी की बातें हो रही थी, अब नया पढ़ाना हम शुरू करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक बोलो फटाफट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाते हैं, चलो काम करते हैं यहीं से पढ़ाते हैं सीधा, शुरू करूं। चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, सुन लो ध्यान से क्या है, जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड, या चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है एक सेकंड। चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है बेटे, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्या होता है क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, आपने पहले पढ़ रखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्या पढ़ रखे क्या पढ़ रखे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। पहले मुझे बताओ कौन सी है वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है, एक होती है प्राइस, एक क्या होती है बेटा प्राइस, दूसरी क्या होती है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्लियर है क्या, और तीसरी क्या होती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और भी होती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह, पर मेन मैं बोलता हूं कि यही तीन अभी अपन पकड़ के चलते हैं, ठीक है क्या। तो ये क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हमने क्या पढ़ा प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। रिलेटेड गुड्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या होता है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर हम पढ़ चुके हैं, इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड क्या होती है कम होती है, ये होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब जब हम ये पढ़े कि हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होती है, अब हम जब ये पढ़े कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कितनी कम होती है, वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बात समझ आ रही है, या रिलेटेड गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ती है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ने के कारण हमारे गुड की डिमांड कितनी बढ़ती है जब हम ये पढ़ेंगे तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमने पढ़ लिया था नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, आपको याद होगा अगर नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है बेटा बढ़ती है, अब इनकम बढ़ने के कारण डिमांड कितनी बढ़ती है तो वो क्या होता है बेटा इलास्टिसिटी, बात समझ में आ रही है, मतलब अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्या 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 बेटा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स। इलास्टिसिटी वर्ड कहां से निकल के आया बेटा इलास्टिक से, कैसे बेटा इलास्टिक, इलास्टिक क्या होती है खिंचती है, जो कोई भी चीज जो खिंचती है, अरे जो निक्कर में लगती है इलास्टिक, अरे बोलो ना यार, है ना, जो भी चीज खिंचती है वो क्या होती है इलास्टिक, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि डिमांड कितनी खिंचती है, डिमांड में कितना खिंचाव है, डिमांड में कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, किसके कारण जब प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा इनकम में चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्या होता है क्या होता है क्या होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है क्या क्लियर की और क्लियर है, फटाफट बोलो यार, सब लिखवाऊंगा सब मार्क करूंगा मैं, टेंशन लो, ठीक है क्या। तो कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले लिख देते हैं, एक काम करते हैं,
responsiveness of demand due to change in its factors. Responsiveness of demand due to change in its factors. ठीक है, अच्छा factors क्या क्या हो सकते हैं? Factors क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ. एक हो सकता है price of the commodity. Clear है क्या? एक हो सकती है price of related goods. और एक होती है आपकी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर. एक क्या होती है आपकी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर. अभी ये तीन पकड़ रहे हैं, बोलो हाँ या नहीं. तो जब प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. क्या बोलेंगे बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी. जब रिलेटेड गुड्स की प्राइस के कारण यानी कि सुनो सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस के कारण मेरे गुड की डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज. सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस के कारण मेरे गुड की डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज. तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी. और जब मैं बोलूं इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्या बोलूं इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनकम इलास्टिसिटी. क्या बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो तीन प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. एक क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एक क्या होती है बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और एक क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और अगर मैं इसको सीधे सीधे बोलूं तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज. क्या बात समझ में आ रही है? इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज, ठीक है क्या? और रिलेटेड गुड्स की प्राइस कारण डिमांड में कितना चेंज. जब प्राइस बदलेगी भाई और बहनों, जब प्राइस बदलेगी तो डिमांड कितनी बदलेगी, जब इनकम बदलेगी तो डिमांड कितनी बदलेगी, और जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बदलेगी तो डिमांड कितनी बदलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस, इनकम और क्रॉस. क्लियर या ऑल क्लियर? हाँ, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वालिटेटिव. याद है कि हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वालिटेटिव. लॉ ऑफ डिमांड क्यों क्वालिटेटिव होता है? क्योंकि वो क्या बोलता है? प्राइस बढ़ी, डिमांड क्या होगी? कम. अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस बढ़ी तो डिमांड कितनी कम होगी. तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है. उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी. कौन बताता है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी. क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बोलो. चलो, अब क्या होता है इसके बाद? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक कॉमन फॉर्मूला होता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? एक कॉमन फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है? इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. क्या क्या क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर. अब इस बात को समझने की कोशिश करना. क्या होता है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर. अगर तुमको यह समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है, प्लीज सुनना ध्यान से. अगर मैं बोलूंगी किसी भी इंसान के 10 में से 4 नंबर आए, क्या बोलूं 10 में से क्या नंबर आए? 4. तो कैसे लिखता हूं? 4/10. तो ये क्या बताता है? कितने में से कितना. नॉर्मल फ्रैक्शन ये तो बताता है कितने में से कितना. अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्या बोल रहा हूं प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो मैं फॉर्मूला क्या बनाऊंगा? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. बात समझ में आई गई? फॉर्मूला कैसे बना उसका लॉजिक समझ में आ रहा है. अब अगर मैं बोलूं इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम. बात समझ में आ रहा है? अगर हम बोलूं सब्स्टिट्यूट गुड्स के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट. क्लियर है क्या? तो इन शॉर्ट मैंने फॉर्मूला क्या बनाया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर. क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर. अब इसको अगर तीन में बांटेंगे तो क्या होगा? जब प्राइस इलास्टिसिटी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? जब प्राइस इलास्टिसिटी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ए डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर मैं बोलूंगा क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या बोलूंगा बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी. अब इसमें दो आते हैं, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री. क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री. तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्लियर है क्या? और अगर मैं इनकम की बात करूंगा, इनकम इलास्टिसिटी की, तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात करूंगा, क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. क्लियर है या ऑल क्लियर है?
तो ये होते हैं आपके तीन फॉर्मूले, ये होते हैं आपके तीन फॉर्मूले, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बताओ, पक्का? चलो समझ में आगे बढ़े। अब अपन क्या पढ़ेंगे अलग से? प्राइस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी, फिर हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी, फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्या बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये क्या बोलती है? प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। क्या 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 क्या, क्या? प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। कोई दिक्कत है क्या? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया मुझे बताओ? परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा बोलूंगा, आपसे पूरा लिखूंगा नहीं, डेल्टा बोलूंगा ना, ये साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्या 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 क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई डाउट है क्या? फटाफट बोलो। अरे बोलो यार, इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग क्या होते हैं? मेथड्स। इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग क्या होते हैं? मेथड्स। प्राइस इलास्टिसिटी को भी कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। इस मेथड को कहा जाता है परसेंटेज मेथड। इस मेथड को क्या कहा जाता है बेटा? परसेंटेज मेथड। तुम्हारे में यही एक मेथड है, दूसरा मेथड नहीं है, तो मैं भी इतना ही बता रहा हूं। इसी मेथड को किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। तेज हो रहा है क्या थोड़ा? थोड़ा तेज चल रहा है कि स्लो करना है क्या थोड़ा? थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, फिर अपन इसको एक बार और रिवाइज भी करेंगे। आराम से इतना नोट कर लो पहले। नोट हो गया? नोट कर लो आराम से, हो गया?
चलो थोड़ा थोड़ा एक बार मैं याद दिलाऊं क्या क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनना ध्यान से, प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है कम, प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है कम, प्राइस कम होती है डिमांड क्या होती है बढ़ती है। अब प्राइस 5 से 6 हुई, प्राइस क्या हुई 5 से 6, तो डिमांड कितनी हो गई 10 से 5। प्राइस क्या थी हमारी 5 रुपए, 5 से कितनी हो गई 6। जब प्राइस 5 थी तो मैं 20 क्वांटिटी बेच रहा था, कितनी क्वांटिटी बेच रहा था 20, तो प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी क्या होगी कम, तो कितनी हो जाएगी 15। ये तुमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया है, तुमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या कर लिया पढ़ लिया। अब इलास्टिसिटी में क्या पढ़ोगे, प्राइस 5 से 6 कितने से प्राइस चेंज हुई 1 रुपए से, और डिमांड कितने से चेंज हुई बेटा 5 रुपए। इसका हम प्रपोर्शन निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे प्रपोर्शन, तो वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आखिरकार प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। चलो देखते हैं, तो एक चीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होती है, क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोले तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्या बोले रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स।
ड्यू टू जनरेट्स प्राइस, क्योंकि प्राइस लास्ट ईयर ही बढ़ रहा है, तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज, प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्या निकल के आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। क्लियर है क्या? अब सोचो, क्या आप रियल वर्ल्ड में जाके पता लगा सकते हो हर एक कमोडिटी का प्राइस में चेंज के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैगी 10 से 12 हो गई तो डिमांड कितनी कम होगी? अच्छा, एप्पल 80 से 60 हो गए तो कितने की डिमांड चेंज होगी? तेल 90 से 95 हो गए तो डिमांड में कितनी चेंज होगी? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है लाखों चीजों की लिस्ट बनाना? पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? इसलिए इन्होंने क्या बनाई, डिग्रीज। इसलिए इन्होंने क्या बनाई बेटा, डिग्रीज। डिग्रीज कैसे बनाई, सुनना ध्यान से। इन लोग बैठे पेपर पेन लेके और इन्हें सोचा, इन्हें पेपर पेन लेके बैठे और इन्हें सोचा, क्या सोचा कि प्राइस के कारण डिमांड में आखिर चेंज आ कब कब सकता है, प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आखिर आ कब कब सकता है। तो इन्हें क्या निकाला कि देखो यार भाई, जब प्राइस 5 रुपए से चेंज हो रहा है, प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, सुन लो, प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, 5 रुपए से, तो डिमांड कितने से चेंज होती है, या तो 5 से ही होगी, या तो 5 से ज्यादा से होगी, या तो 5 से कम से होगी। यही तीन चीज हो सकती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब ओवरऑल अगर निकाला जाए तो क्या देखा जाएगा, जितनी प्राइस में चेंज आ रहा है या तो डिमांड में उतना ही चेंज आएगा, या तो डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आएगा, या तो डिमांड में उससे कम चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ बोलो ना यार। तो इसके मैं अगर केसेस बनाऊं, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में 5 का चेंज आया, प्राइस में कितने का चेंज आया बेटा, 5 का, तो डिमांड में भी कितना आएगा, मान के चलो एक बार हो सकता है कि 5 का ही आए। क्लियर है क्या? दूसरा केस क्या हो सकता है कि प्राइस में 5 का चेंज आए, डिमांड में 5 से ज्यादा का, 8, 10, 100, 50, 5,000 कुछ भी हो सकता है, बोलो हाया नहीं, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 8। प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में भी 5 का चेंज, यानी जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज। दूसरा क्या है, प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में 8 का चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। क्लियर है क्या? तीसरा क्या होगा, प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में 5 से कम का चेंज, 4, 3, 2, 0 कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ या नहीं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ मान के चलो कितने का चेंज, 4 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार। और चौथा केस क्या हो सकता है, प्राइस में 5 का चेंज और डिमांड में नो चेंज। अरे भाई प्राइस 5 से बदली, डिमांड बदली ही नहीं, तो प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में नो चेंज। आया कि नहीं आया? आखिरी केस क्या है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और डिमांड फ्री में चेंज हो गई। हो सकता है क्या ऐसा? हाँ हो सकता है कि मांग, लोगों की मांग बढ़ गई, लोगों को पसंद में जाना आने लग गया, बोलो हाँ या नहीं, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और डिमांड फ्री में क्या हो गई, चेंज। कितनी भी 2, 4, 5, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ। क्लियर है और क्लियर है? तो पूरी इलास्टिसिटी इन 5 केसों में बचती है, पूरी प्राइस इलास्टिसिटी इन 5 केसों में बचती है। पहला केस बताओ क्या है, जितना प्राइस में चेंज, यानी चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा क्या है, चेंज इन डिमांड, क्या 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 बेटा, चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, प्राइस में कम चेंज डिमांड में ज्यादा चेंज। कोई दिक्कत है क्या? तीसरा केस क्या है, चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना डिमांड में चेंज, प्राइस में उससे कम चेंज। अरे बोलना यार, फिर क्या है, प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज। कोई दिक्कत है क्या? और आखिरी केस क्या है आपका, ये चेंज लिखा है, जीरो दिख गया। अब यहां क्या है, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में नो चेंज और डिमांड में चेंज। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने केसेस है एक बार बताओ। पहला केस क्या है, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज। दूसरा केस क्या है, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। तीसरा केस क्या है, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। चौथा केस क्या है, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज। और पांचवा केस क्या है, प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज। ये 5 केसेस होते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। अरे बोलो यार, मुझे बताओ 5 × 5 सॉल्व 5/5 सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ देखो, डिमांड में ज्यादा चेंज और प्राइस में कम चेंज, यानी न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, बड़ा। न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा बड़ा, और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, छोटा। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन वन। क्या आएगा, एक से ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही? ये समझ आई कि नहीं आई मैथ्स?
अरे बोलो ना यार, अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू कम है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, वन से ज्यादा, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा अब फाइव को फोर से डिवाइड करो तो 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, जब नीचे वाला ज्यादा हो और ऊपर वाला क्या हो छोटा, तो हमेशा क्या आएगा बेटा ईडी लेस देन वन, क्या हो जाएगा ईडी लेस देन वन। तो पहला क्या हो गया ईडी इक्वल्स टू वन, पहला क्या हो गया ईडी इक्वल्स टू वन, दूसरा क्या हो जाएगा ईडी ग्रेटर देन वन, तीसरा क्या हो जाएगा ईडी लेस देन वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो ना यार। अगर न्यूमरेटर जीरो तो नीचे किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा बेटा जीरो, आंसर क्या आएगा जीरो। तो ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो, ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो, और आखिरी में जीरो आ जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा इन्फिनिटी। समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, एक क्या है ईडी इक्वल्स टू वन, एक क्या है बेटा ईडी इक्वल्स टू वन, बोले तो क्या होगा जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज। दूसरा क्या होगा ईडी ग्रेटर देन वन, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। तीसरा क्या होगा ईडी लेस देन वन, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज, कोई दिक्कत है क्या? चौथा क्या होगा ईडी जीरो, चौथा क्या होगा ईडी जीरो, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, और आखिरी क्या होगा ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज। क्लियर है क्या? बोलो एक बात बताओ, मैंने इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था आपको? लिख लेना, मैं टाइम दूंगा, पहले सुन लो ना प्लीज। मैंने इलास्टिसिटी का मतलब आपको क्या बताया था बेटा? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस बोले तो कितना डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है। अब केसेस देखो, प्राइस 5 से चेंज हुई, डिमांड भी 5 से ही चेंज हुई, ठीक ठाक रिस्पॉन्ड कर रही है, इक्वल रिस्पॉन्ड कर रही है, जितनी ताकत लगा रहा हूं उतनी खींच रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो ना यार। दूसरा क्या है, प्राइस में 5 का चेंज आया और डिमांड में क्या चेंज आ गया 8 का, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, जितनी ताकत लगा रहा उससे ज्यादा खींच रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में 8 का चेंज। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरी क्या है, प्राइस में 5 का चेंज, डिमांड में 4 का चेंज। अब ये क्या बेटा, जितनी खींच रहा हूं उससे कम खींच रही है, ताकत बहुत ज्यादा लग रही है पर खींच कम रही है, ठीक। प्राइस में 5 का चेंज आया तब जाके डिमांड में क्या आया है 4 का या 3 का चेंज आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? तो पहले वाले को क्या बोला गया, यूनिट्री इलास्टिक। क्या बोला गया, क्या बोला गया यूनिट्री इलास्टिक, क्योंकि आंसर हमेशा बनाएगा इसका। बोलो हाँ या नहीं? पक्का नहीं आएगी? आया। और ये क्या है ग्रेटर देन वन, यानी कि ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में, बोलो हाँ या नहीं, यानी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मोर इलास्टिक। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोर इलास्टिक। पक्का? तीसरा क्या हो जाएगा बेटा लेस इलास्टिक, क्योंकि रिस्पॉन्ड कम कर रही है। आया कि नहीं आया? बोला यार। तो एक है कौन सा यूनिटरी इलास्टिक, एक है कौन सा मोर इलास्टिक, और एक है कौन सा लेस इलास्टिक। पक्का? अगला क्या है तुम्हारा, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज। ये क्या है बेटा कि प्राइस चेंज कर रहे हैं और डिमांड, मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं और डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, यानी इन इलास्टिक। क्या 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 बेटा, इन इलास्टिक, रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत ढीट है, बोलो हाँ या नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली, क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, बोलो हाँ या नहीं। क्लियर है? और यहाँ वाली डिमांड तो इतनी सदोरी, इतनी प्यारी है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिमांड फ्री में इधर उधर भागे जा रही है, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या है परफेक्टली इलास्टिक, क्या हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED is equals to 1, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। ED is greater than 1, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। ED less than 1, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। ED is equals to 0, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज। और ED is equals to infinity, प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज। समझ आया कि नहीं आया? इसको आप चाहो तो अब नोट कर लो प्रॉपर, इसको ढंग से नोट किया हुआ दिखा दूंगा तुमको कहां लिखा हुआ है, यही वाला देखना है। हो गया क्या? अरे बोलो यार। चलो तो आज अपन इतना ही करा रहे हैं, अगर एक बार वो देखना है तो ये देख लो, ये देखो यहाँ मैंने बना के रखा है पहले से, तो देखने मिल जाएगा अभी, ये देखो ये बना हुआ है।
जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज, 5/5 इलास्टिसिटी क्या हो गई, डिमांड में ज्यादा चेंज प्राइस में कम चेंज, सॉरी डिमांड में ज्यादा चेंज प्राइस में कम चेंज, इट इज ग्रेटर देन वन, फिर डिमांड में कम चेंज प्राइस में ज्यादा चेंज, तो ये हो गया इट इज लेस देन वन, ठीक है क्या। फिर डिमांड में नो चेंज प्राइस में चेंज इट इज इक्वल्स टू जीरो, प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज इट इज इक्वल्स टू इनफिनिटी। अब बोलेंगे क्या, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्लियर है क्या, ये बता दिया। अब इसके डायग्राम्स में कल सिखाऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा फटाफट बोलो बोलो। चलो आज इतना ही करा रहे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑनलाइन वालों, निशिका बेटा आज इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।